the total number of amine neglecting stereoisomer. इस क्वेश्चन में आपको स्टीरियो आइसोमर को कंसीडर नहीं करना है. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N. C3H9N. यू नो C3H9N. इट मे रिप्रेजेंट 1 डिग्री अमाइन, इट मे रिप्रेजेंट 2 डिग्री अमाइन एंड इवन इट मे रिप्रेजेंट 3 डिग्री अमाइन. सो द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. First, if we consider 1 degree amine, then you know, first structure CH3, CH2, then CH2 and NH2. And second isomer is CH3, CH, NH2 and CH3. Both are 1 degree amine. From this molecular formula, this structure may also possible, which is represent 2 degree amine, which is 2 degree amine. And now one more structure, which is 3 degree amine. So we can say total number of isomers are 4, or we can say the correct answer is third. The correct answer is third one. Now let us take question number 52. In question number 52, which of the following is the strongest base? वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा strong base है, strongest base है. आप जानते हैं basic strength depend करती है H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद कैटाइन की स्टेबिलिटी पर, कि वो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटाइन बनता है वो कितना स्टेबल है. इन फर्स्ट ऑप्शन जब ये स्पीशीज H प्लस को एक्सेप्ट करेगी तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. इस स्ट्रक्चर में फिनाइल ग्रुप माइनस आई एक्सर्ट कर रहा है और इस माइनस आई की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा. कैटायन अनस्टेबल हुआ, इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक हो गया. इन सेकंड ऑप्शन H प्लस के एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज फॉर्म होगी उसमें मिथाइल तो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा लेकिन फिनाइल ग्रुप फिर वापस से माइनस आई एक्सर्ट करेगा, कैटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. थर्ड स्ट्रक्चर में देखें तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर मल्टी एटॉमिक मिथाइल ग्रुप है विच एक्सर्ट SIP इफेक्ट. एंड यू नो SIP इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये SIP बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा. बट इन फोर्थ ऑप्शन जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा बनने वाला स्पीशीज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन अदर, क्योंकि बीच में CH2 आ गया, वो CH2 इस फिनाइल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट को कम कर देगा. इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल इसका कैटायन होगा, मतलब सबसे ज्यादा ये फोर्थ वाला बेसिक होगा. देन करेक्ट आंसर विल फोर्थ. In question number 53, propine and propene can be distinguished by. Propine means triply bonded compound and terminal alkyne, while propene is doubly bonded unsaturated hydrocarbon.
इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए जो गिवन ऑप्शन है उनको कंसीडर यदि करते हैं तो पहला ऑप्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4 से प्रोपाइन भी रिएक्ट करेगा, प्रोपीन भी रिएक्ट करेगा, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट. इन सेकंड ब्रोमीन वाटर, यू नो ब्रोमीन वाटर के साथ दोनों ही कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, इससे भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. डाइल्यूट KMnO4 से दोनों ही रिएक्ट करेंगे, हम दोनों से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. लेकिन AgNO3 का जो अमोनिकल सॉल्यूशन है उससे एल्कीन रिएक्ट नहीं करेगी, एल्काइन और पर्टिकुलर टर्मिनल एल्काइन जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है वो उससे रिएक्ट कर जाएगी और आयनिक सॉल्ट बना लेगी. तो इसका मतलब हम इस फोर्थ ऑप्शन से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नाउ इन क्वेश्चन 54, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है जिसमें एक रिंग है, रिंग पर दो ग्रुप, एक है OCS3 और एक पैरा पोजीशन पर CS3 ग्रुप लगाया हुआ है, और रिएक्शन HNO3 H2SO4. नॉर्मली इन दोनों सॉल्यूशन को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोला करते हैं, और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो नाइट्रोनियम आयन स्पीशीज जनरेट करता है, और ये जो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा. अब रिंग पर ऑलरेडी दो ग्रुप हैं, हमें पता है जब रिंग पर कोई ग्रुप लगा होता है तो ग्रुप का अपना इफेक्ट होता है जिसे हम बोला करते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट. तो डायरेक्टिंग इफेक्ट के बेसिस पर अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रिंग पर होगा, लेकिन किसके बेसिस पर होगा? हम दोनों के अकॉर्डिंग यदि देखें तो CS3 ग्रुप एग्जर्ट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, मीन्स ये रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है. रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक को बढ़ाएगा. साथ में दूसरा ग्रुप देखें वो एग्जर्ट कर रहा है प्लस एम इफेक्ट भी रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. अब दोनों ही रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, एक प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, एक प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है. दोनों ही ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है. तो अकॉर्डिंग मिथाइल यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है तो वो अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा. पैरा पोजिशन उसके रिगार्डिंग पहले से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. यदि हम OCS3 के अकॉर्डिंग देखें तो नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा अगेन ऑर्थो एंड पैरा पर. OCS3 के रिगार्डिंग भी यदि हम पैरा पोजिशन को देखें तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. तो बची दोनों की अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजिशन. लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट प्लस एम इफेक्ट इज कंपैरेटिवली मोर डोमिनेंट देन प्लस एच इफेक्ट. तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट कर रहा है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा रिंग पर एज कंपेयर टू मिथाइल के प्लस एच इफेक्ट के. तो OCS3 के अकॉर्डिंग जब अटैक होगा तो नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पैरा ऑक्यूपाइड है, तो हम OCS3 की ऑर्थो पोजिशन पे अटैक कराएंगे. तो ऑर्थो पोजिशन OCS3 के अकॉर्डिंग. This one, which is in fourth option. So again, we can say the correct answer is fourth. In question number 55, question mein wo pooch raha hai ki phenol hum kis se aqueous medium se react karakar phenol obtain kar lenge. Phenol ko hume obtain karna hai. Ab sabhi jante hain benzene diazonium chloride ek aisa compound hai jo bahut aasani se decompose ho jayega. और आसानी से डीकंपोज होने पर क्योंकि इसमें बेटर लिविंग ग्रुप लग रहा है एन पॉजिटिव, जो वाटर के OH- बेटर लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेकर रिंग से निकलेगा, OH ग्रुप उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल. It is due to better living group of N positive. Answer second. In question number 56, acetaldehyde react with semi-carbazoide, then product will. वो ये कह रहा है कि acetaldehyde का reaction जब semi-carbazoide से आप कराते हैं तो उसका product क्या होगा? You know, aldehyde ketone mainly shows nucleophilic addition reaction. Nucleophilic एडिशन रिएक्शन.
N. Semi-carbazoid is the example of ammonia derivative, which is also example of nucleophile. Now, we can say semi-carbazoid, which is example of ammonia derivative, which is example of ammonia derivative, यदि मैं एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजीन से रिमूव करके उसकी जगह CONH ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाता है सेमी कार्बेजॉइड. इट इज सेमी कार्बेजॉइड. नाउ आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एज ए शॉर्टर के फॉर्म में कर सकते हैं कि इसमें आपको एडिएट कीटोन का ऑक्सीजन लेना है और सेमी कार्बेजॉइड के नाइट्रोजन पर प्रेजेंट दो अल्फा हाइड्रोजन. डायरेक्टली आप वाटर एलिमिनेट कर दीजिए एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर जो प्रोडक्ट बनेगा विच इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बे जोन जॉइड चेंज इनटू जोन एंड विच इज इन फर्स्ट ऑप्शन. सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. इन क्वेश्चन नंबर 57 वो आपसे डायरेक्ट एक रिएक्शन दे रहा है और प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है. बाई प्रोडक्ट वाटर भी उसने क्वेश्चन में इक्वेशन में दे दिया. वो कह रहा है अमाइन का रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा. यू नो ये एग्जांपल है रिएक्शन हाफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और वी कैन से आइसोसाइनाइड टेस्ट. ये आइसोसाइनाइड टेस्ट का एग्जाम्पल है जिसमें अमाइन चेंज हो जाता है आइसोसाइनाइड में. पहला ऑप्शन देखें उसमें साइनाइड दे रहा है आंसर गलत हो गया. दूसरे में वो अमाइड दे रहा है ये भी आंसर गलत हो गया. तीसरे में वो कह रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड सबस्ट्रेट है इथाइल डेफिनेटली प्रोडक्ट भी इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा. देन फोर्थ आंसर यदि आप देखते हैं तो वो है CH3CH2NC एंड ऑल्सो 3 ऑफ KCl. सो आंसर विल बी फोर्थ वन. In question number 58, which one of the following is a linear polymer. वो आपसे कह रहा है linear polymer का example कौन सा है. You know, amylose. Direct ही आप देखकर बता सकते हैं कि amylose is the example of linear polymer. So correct answer is fourth one. Amylose.